जानते हो मैंने इस मुल्क के अंदर मेरा नारा है, मेरा मंसूर है कि मैं इस मुल्क के अंदर अदल अली का क्याम करूंगा। मैं किसी अकीदत के हवाले से बात नहीं कर रहा हूं, मैं तारीखी हकीकत के हवाले से बात कर रहा हूं। वो बात जो 1400 साल पहले अली ने कही, आज वो बात एक ऐसी हकीकत है जिसके सामने सूरज भी शर्मिंदा है। हसन हुसैन सुनाया हसन हुसैन को और हिदायत हमारे लिए थी, हूना लिज़ालिम खस्मा वलिल मज़लूम औना, हर जालिम के मुखालिफ रहना और हर मजलूम का हामी और नासिर रहना। आज भी ये हकीकत अपनी जगह पर कायम है और इस पर मैं करबंद हूँ और हर ज़ीशूर और गैरतमंद इंसान इसको मानता है कि हमें जुल्म का साथ नहीं देना चाहिए। अली की बात करते हो, अली इब्ने अबी तालिब ने ये सर वही इलाही से लेकर आपको हिदायत दी है। सुनते हो कुरान की आयत है, रा तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, जालिमों की तरफ रुझान भी पैदा न करो वरना जहन्नम का ईंधन बन जाओगे। कुतिला अलीयुन लिशिद्दत अदले, इसलिए मारा गया कि सबसे ज्यादा आदिल वो था। और ये तारीखी हकीकत है, ये अकीदत नहीं है, मैं मंतिक व अक्ल की बात करता हूँ। आज भी अगर जोर जुर्दाक मसीही लुबनान का किताब लिखता है तो वो नाम रखता है सौतुल अदालत अल इंसानिया अल इमाम अली। आज भी इंसानी अदालत की आवाज को अगर है तो अली इब्ने अबी तालिब है।